हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज जोन पर। दोस्तों, आरआरबी स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के जितने उम्मीदवारों ने यहां पर आरआरबी के फॉर्म को फिल किया है, उन सभी के लिए दोस्तों आज सुबह की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि उम्मीदवारों को फाइनली अपने एप्लीकेशन स्टेटस की जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनली यहाँ पर अलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आरआरबी अलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर यहाँ पर फाइनली जो है वो नोटिस जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए यानी कि दोस्तों कई सारे एग्ज़ाम के यहाँ पर जो है भर्तियों के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, और जिसमें कि यहाँ पर जो है पैरामेडिकल स्टाफ की भी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर जो जारी कर दिया गया है। अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं तो आप सभी उस नोटिस को देख सकते हैं। साथ ही अगर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट भोपाल पर हैं तब भी आप इसकी नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं। तो यानी कि हर एक वेबसाइट पर जोन वाइज पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी भी एग्ज़ाम की नोटिस है वो फाइनली दोस्तों रिलीज कर दी गई है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर SI की, NTPC की भी यहाँ पर जो है नोटिस डेट जारी कर दी गई है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। साथ ही दोस्तों, इसका लिंक पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस नोटिस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहला यहाँ पर जो नोटिस है वो 7/10/2024 को पब्लिश किया है, फिर उसके बाद 7/10/2024 को पब्लिश किया गया है, और फिर दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं कि 7/10/2024 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है, फिर एक और नोटिस है 7/10/2024 को पब्लिश किया गया है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि 7/10/2024 को, यानी कि इसी तरह से दोस्तों 5 नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो NTPC ग्रेजुएशन की यहाँ पर जो है चल रही थी उसकी है, साथ ही CN6/2024 की है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है एग्ज़ाम शेड्यूल है, टेंटेटिव डेट है, यानी कि RPF SI की, यहाँ पर टेक्नीशियन की, और यहाँ पर JEE CM की यहाँ पर जो है फाइनली जारी की दी गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है, देख सकते हैं कि सेम हिंदी वर्जन में है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के NTPC यानी कि CN5/2024 के NTPC ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिस क्या है, इसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। साथ ही दोस्तों क्या इस नोटिस से बताया जा रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पैरामेडिकल स्टाफ की भी आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए भी मैं आप सभी को यहाँ पर जो है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन खुल चुका है, और यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, साथ ही यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पर जो है नोटिस ऑफ टेंटेटिव शेड्यूल फॉर CN01/2024 ALP CN1/2024 RPF डॉट यहाँ पर SI CN यहाँ पर 02/2024 टेक्नीशियन CN3/2024 JEE CMA एंड यहाँ पर जो है MS के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप सभी की फाइनल जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन कर देगी, अगर देखते हैं तो, यानी कि CN1/2024 के अंदर APL के लिए 25/11/2024 से लेकर 29/9/2024 तक CVT 1 कराई जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो है CN RPF 01/2024 यहाँ पर RPF SI की 02/12/2024 से लेकर 5/12/2024 तक यहाँ पर इसकी CVT एग्ज़ाम कराने की डेट रखी गई है। साथ ही CN2/2024 की टेक्नीशियन की यहाँ पर 16/12/2024 से लेकर यहाँ पर 26/12/2024 तक एग्ज़ाम कंडक्ट रह जाएगी। CN3/2024 को लेकर, JEE अदर्स को लेकर यहाँ पर जो है 6/12/2024 से लेकर 13/12/2024 तक CVT 1 की एग्ज़ाम यहाँ पर कराई जाएगी। तो इसी तरह से जो लिंक है वो यहाँ पर देते हैं कि दिस लिंक व्यू टू एग्जाम सिटी एंड यहाँ पर डेट डाउनलोड ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC ST शेड्यूल विल बी यहाँ पर 10-day प्रायोरिटी टू द एग्जाम डेट रिस्पेक्टली CN ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRB यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर जो है ई कॉल लेटर स्टार्टिंग 4-day प्रोबेबिलिटी टू एग्जाम मेंशंस, यहाँ पर जो है सिटी डायरेक्टली यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक लिंक यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। यानी कि 4 दिन पहले आप सभी की जो एग्ज़ाम डेट की, साथ ही दोस्तों आप सभी के सेंटर और साथ ही जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो अब उम्मीदवार पूछेंगे कि सर पैरामेडिकल स्टाफ की क्या है, कुछ तो इसमें पैरामेडिकल की अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो RRB यानी कि आप सभी को पता है कि जितनी भी RRB की एग्ज़ाम है वो TCS ही कराता है।
तो फाइनली ये नोटिस जो है वो पब्लिश हुआ था 6 यहाँ पर, यानी कि 6 तारीख को जो पब्लिश किया गया था, 6 अक्टूबर को ये नोटिस ग्रुपों के अंदर पब्लिश हुआ था, और जिसमें को ऑलमोस्ट बताया गया था कि ये फेक नोटिस है, ये पूरे तरह से फेक नोटिस है। पर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे RRB 2024-2025 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई थी 1870, यहाँ पर जो है 799 पद निकाले गए थे, जिसके अगर डेट देखेंगे तो यहाँ पर सेम डेट बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं टेक्नीशियन की तो 16/12/2024 से लेकर 20/12/2024 तक बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है 13/12/2024 से लेकर यहाँ पर 24/12/2024 और 26/12/2024 को लेकर। फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ RPF CN नंबर देखते हैं कि 12, यहाँ पर 2/12/2024 से लेकर 5/12/2024 तक की जाएगी। साथ ही कांस्टेबल की बात करते हैं तो 8/1/2025 से लेकर 10/1/2025 तक, फिर 15/1/2025 से लेकर 17/1/2025 तक, 27/1/2025 से लेकर 3/3/2025 तक, 7/3/2025 से लेकर यहाँ पर जो है 2025 तक रह जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अगर जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं और यहाँ पर जो है मटेरियल सप्लीमेंट की बात करते हैं, जिसके 795 पोस्ट है, CN यहाँ पर 3 है, वो 6/12/2024 से लेके 12/12 यहाँ पर 12/12/2024 से लेके 13/12/2024 तक इसकी एग्ज़ाम चलेंगी। उसी तरह से पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर जो है 1376 पोस्ट हैं, जिसके लिए यहाँ पर CN नंबर यहाँ पर जो है 4/2024 से लेके वो March 2025 में चल रही है। यानी कि दोस्तों आप सभी की जो एग्ज़ाम डेट है वो RRB जो है वो March 2025 में कराएगा। नॉन टेक्नीशियन यहाँ पर जो है पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के लिए 8,113 पोस्ट, CN नंबर यहाँ पर जो है 5/2024 रहते हैं, तो वो अप्रैल के अंदर आप सभी की एग्ज़ाम होने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसके लिए फॉर्म फिल भी किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो है 3,445 पोस्ट हैं, CN 6/2012 से, वो मई या जून 2025 में कराई जाएगी। तो यानी कि दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफों के लिए, यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जितनी भी कैटेगरी वाइज हैं, यानी कि उनके जो CN हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो एग्ज़ाम डेट है वो आज से दोस्तों 5 महीने बाद जो है RBI कराएगी। यानी कि आप सभी के लिए शेड्यूल जो जारी किया जाएगा वो नवंबर में किया जाएगा, पर आप सभी के एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जो है 25 में रहने वाले हैं मार्च के, और आप सभी के एडमिट कार्ड जो है वो 4 से 5 दिन पहले आप सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, एग्ज़ाम डेट और आप सभी के जो है एडमिट कार्ड। साथ ही दोस्तों वहाँ पर जो है आप सभी की स्टेटस जो है, मैंने बताया था कि RBI के नोटिस के अनुसार जो है नवंबर के इंड तक जो है आप सभी के यहाँ पर जो है फाइनल स्टेटस की जो डेट है, यानी कि आप सभी स्टेटस अपना देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को SI के अंदर यहाँ पर पैरामेडिकल के अंदर कांस्टेबल के अंदर वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा था RBI की तरफ से, जिसके कारण थोड़ा सा स्टेटस में आप सभी के लिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप सभी को शेयर कर दिया है, इसके रिगार्डिंग अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को जरूर से कहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।